चैनल आई किरण राजे और गाइस आज है नवरात्रि का सातवां दिन, माता काल रात्रि का दिन। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे से काल रात्रि माता का रूप बनाने वाले हैं, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारे इस चैनल पर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो अब देख लीजिएगा और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो गाइज नवरात्र की सीरीज के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे माताओं के रूप बन रहे हैं, आप लोगों के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है आगे और कुछ करने का। तो मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ लेकर आती रहूंगी, नए नए वीडियो, शॉर्ट्स, बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी से मिल जाए। तो गाइज आज जो हम माता काल रात्रि का रूप बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्यूट, मतलब कितने वर्ड्स में बोलूं वो भी कम है। इतना प्यारा ये वीडियो बनने वाला है, इतना प्यारा माता का रूप बनने वाला है और ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। तो चलो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज 4 इंच बोर्ड पर जेसो का कोट करना है और पेंसिल से ड्रॉइंग कर लेना है। तो गाइज ये मैंने काल रात्रि माता का ड्राइंग कर लिया है, बहुत इजी है, बिल्कुल डिटेल नहीं है। तो ये तो फटाफट से ड्राइंग हो गया, मुझे पता भी नहीं चला इतना जल्दी से ड्राइंग हो गया। उसके बाद मैंने कलरिंग करना शुरू कर दिया है और कलरिंग में मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ और स्किन कलर जहाँ हमें करना है वहाँ पर मुझे ब्लू शेड लेना है, लाइट ब्लू शेड लेना है और इस तरह से मुझे स्किन कलर कर देना है। तो मैंने हैंड्स में भी इस तरह से कर दिया है ब्लू शेड। और ये कलर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें माता का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क दिखाना होता है, इसलिए हम ब्लू शेड लेते हैं और उससे माता का रूप अच्छा सा दिखता है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क दिखता है। तो यहाँ पर मैंने पैर भी बना दिए हैं और ये तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल डिटेल बिल्कुल नहीं है, तो फटाफट से हो जाएगा। बट मैं थोड़ी सी शेडिंग देने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये आर्टिकल हमारा छोटा है तो ज़्यादा शेडिंग तो नहीं बट थोड़ा बहुत शेडिंग देने की कोशिश करूँगी। और ये जो हमने काल रात्रि माता के जो वस्त्र बना रहे हैं इसमें मैंने रेड कलर कर दिया है, क्रिम्सन रेड कलर मैंने यहाँ पर किया है। ये एक तरह से दुपट्टा है जिसके अंदर क्रिम्सन रेड करना है। और ये बागम्बर बनाना है हमें तो उसमें मैंने येल्लो कलर किया है, माता के जो वस्त्र होते हैं वो बागम्बर है ना, तो वो हमने येलो कलर कर दिया है और उसके ऊपर मैंने फिर ऑरेंज कलर का इस तरह से शेडिंग कर दिया है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी कर दिया तो येलो बॉर्डर की तरह दिखेगा और उसके अंदर ऑरेंज शेड मैंने इस तरह से कर दिया है। तो गाइज जो हमें पाम बनानी है मतलब हथेलियाँ जो बनानी है उस पर मुझे लाइट शेड करना है, तो उसके लिए मैंने स्किन कलर टाइप का बनाया पिंक, लाइट पिंक कलर, और वो मैंने हथेलियों पर कर दिया है। और माता के जो ये शस्त्र हैं खड़ग और खप्र, तो ये दोनों खड़ग खप्र दोनों ही मैंने पेंट कर ली है येल्लो कलर से। और उसके बाद में माता की जो ज्वेलरी बनानी है वो मुझे फूल माला वाली बनानी है, मतलब सफ़ेद वाली बनानी है वाइट कलर से। और यहाँ पे मैं मुंड माला भी बनाने वाली हूँ माता के लिए, तो आप जितना ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हो कर लो, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है बट बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने के लिए और ऐसा लग रहा है ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं। तो चलो माता की सवारी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ग्रे शेड लिया है और ग्रे शेड से इस तरह से पेंट कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा शेडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हमें माता की सवारी तैयार करनी है। गाइज अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और आगे चल के हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं तो वो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना। सो गाइज जब तक मैं माता की सवारी तैयार कर रही हूँ आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कल है नवरात्रि का 8वां दिन और कल हम नवरात्रि के 8वें दिन कौन सी माता की पूजा करते हैं और हम कौन सी माता का रूप यहाँ बनाने वाले हैं। आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। और गाइज आपको 2 कमेंट करना है, एक कमेंट में आपको ये बताना है कि कल हम कौन सी माता का रूप बनाने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन पर, और एक कमेंट में आपको जय माता दी लिखना है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। अब जो मैंने माता की सवारी यहाँ बनाई है उसमें पूरा ब्लैक आउटलाइन कर लिया है,
तो गाइस मैं क्या बताऊं आपको, कभी कभी मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद हो जाते हैं। और घोड़े दौड़ना बंद क्या हो जाते हैं, बैठ ही जाते हैं मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब आप देख सकते हो, अब मैंने मिस्टेक करना शुरू कर दिया। इतने दिन से मैं ये आर्टवर्क कर रही हूँ और डेली आपको बताती हूँ कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। और कई बार होता है कि मैं खुद ही वही सेम मिस्टेक जो मुझे नहीं करनी होती है वो मैं कर देती हूँ। तो चलिए अभी तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह मैं माता के बाल बना रही हूँ। बाल इस तरह से बिखरे हुए हमें बनाने हैं और यहाँ पर ब्लैक कलर कर रही हूँ। वैसे आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या मिस्टेक करना शुरू कर दिया है। तो गाइज मिस्टेक में मैंने ये किया है कि मैंने जो ब्लैक आउटलाइन थी वो पहले ही कर दी और अब मैं कर रही हूँ बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स किया था और बैकग्राउंड कलर करना शुरू कर दिया। अब जब मैंने आउटलाइन पहले ही कर दी है ब्लैक कलर से, तो अब मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। इतना कितना केयरफुली हम कलर करेंगे कि आउटलाइन पे बिल्कुल ना लगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे आउटलाइन फिर अब दोबारा करनी पड़ेगी। कई जगह आउटलाइन पर ये बैकग्राउंड कलर लग गया है, तो प्लीज़ आप लोग ये मिस्टेक ना करें। तो मैंने तो ये मिस्टेक कर दी थी। और जैसे कि मैंने बताया आपको, ऊपर की तरफ हम रेड कलर करते हैं और उसके ऊपर हम माता का नाम और मंत्र लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर काल रात्रि माता का नाम और मंत्र लिख लिया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में इफेक्ट देने के लिए रेड कलर के इस तरह से डैश बना दिए। और ये रहा हमारा काल रात्रि माता का क्यूट सा फेस जो क्ले से मैंने बनाया है। और बहुत ही प्यारा फेस बनाया है, ट्रस्ट में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और ये लीजिए माता का फाइनल लुक, काल रात्रि माता का। देखो काल रात्रि माता कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चलो कल मिलते हैं नवरात्रि के 8वें दिन।